हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बीए प्रथम वर्ष जिसका जो चैप्टर है बलबन, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था, आज हम सभी बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन के राजत्व सिद्धांत को पढ़ने के बाद हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करें। पहला जो उद्देश्य है बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, सिजदा और पायबोस नामक परंपरा कैसी थी, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन कदमों का प्रयास किया था, किन किन कदमों की आवश्यकता उसे महसूस हुई थी, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है बलबन के राजत्व सिद्धांत, तो बलबन का राजत्व सिद्धांत उसके शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थे। बलबन का राजत्व सिद्धांत उसके शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थी, और इसके साथ ही साथ सुल्तान अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत एक खुदाई के रूप में मानता है। बलबन ने राजत्व सिद्धांत का जो उसने स्वरूप प्रदर्शित किया, अब तक के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी शासक ने राजत्व सिद्धांत की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। एकमात्र बलबन ही एक ऐसा शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत की तरफ ध्यान दिया और सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा और वैभव के प्रति भी ध्यान दिया। इसके साथ ही साथ बलबन के राजत्व सिद्धांत का जो स्वरूप था वह फारसी राजत्व पर आधारित था, जिस पर उसने इस राजत्व सिद्धांत के बारे में उसने विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ वह दरबार के भाव भंगिमा से लेकर के भव्य दरबार से लेकर के दिखावटी मान मर्यादा से लेकर के तमाम प्रकार के वैभवपूर्ण वातावरण के साथ लोगों को दिखाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ सुल्तान एक निरंकुश शासक होता है, इसके बारे में भी उसने लोगों को बता दिया अपने कार्यों के द्वारा। इसके बाद बलबन ने अपने आप को एक विस्तृत रूपरेखा के साथ तैयार किया और अपने साथ ही साथ तमाम प्रकार के उच्च वेतन प्राप्त अंगरक्षकों की नियुक्ति की, जिसका कार्य था लंबे चमचमाती हुई तलवारों को लेकर के सुल्तान के इर्द गिर्द खड़े रहते थे, जिससे साम्राज्य में भय का माहौल भी व्याप्त हो, जैसे लगे कि हाँ कोई सुल्तान आ रहा है, तो देखते ही लोगों के अंदर डर की भावना भी व्याप्त हो। इस दृष्टिकोण से, इस विचारधारा से उसने राजत्व को निरंकुश बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ बलबन ने अपने आप को, वो खुद कहता था कि मैं पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूं, हमारे यानी कि बलबन के द्वारा किए गए कार्य, न्याय या किसी से संबंधित कोई भी कार्य अगर मैं करता हूं, या अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, अगर मैं उसे दंड देता हूं, तो उस व्यक्ति को सहर्ष उस दंड को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दंड मैं नहीं दे रहा हूं, वह दंड अल्लाह या ईश्वर दे रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह या ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, और आप लोग मुझे भगवान के स्वरूप में, अल्लाह के स्वरूप में देखिए, क्योंकि उसके बाद, अल्लाह के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वह पैगंबर का स्थान, यानी अपने आप को वह पैगंबर से जोड़ करके देखता था और साम्राज्य में एक भय का माहौल भी व्याप्त करता था। इसके साथ ही साथ उसने तमाम प्रकार की परंपराओं का भी प्रचलन किया, जैसे सिजदा और पैबोस
नामक एक परंपरा का भी प्रचलन उसने अपने दरबार में किया। उसके दरबार में जब कोई व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जब उससे मिलने जाता था तो सिजदा करता था। सिजदा का मतलब घुटने पर बैठकर के सिर झुकाना, घुटने पर बैठकर सिर को झुकाना सिजदा कहलाता था। और पायबोस का मतलब था लेट करके सुल्तान के चरण को चूमना। यह जो प्रक्रिया थी यह दोनों गैर इस्लामिक परंपरा थी, गैर इस्लामिक परंपरा थी जिसको उसने अपने राजत्व सिद्धांत में सम्मिलित किया। इसके साथ ही साथ फारसी परंपराओं को उसने एडॉप्ट किया और अपने दरबार में नृत्य संगीत मद्यपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और पूर्णतः प्रतिबंध के साथ ही साथ अपने दरबार में एकाकी वेशभूषा बनाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए एक गंभीर मुद्रा उसने धारण की। गंभीर मुद्रा धारण के साथ साथ उसके राज दरबार में सब कोई उससे बात नहीं कर सकता था, सिर्फ वजीर ही उससे यानी कि बलवंत से बात कर सकता था। इसके साथ ही साथ उसने दरबार में रोने हंसने तमाम प्रकार की चीजों पर उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। एक वाक्य है कि उस राज दरबार में वह बैठा था और उसी दौरान एक सेवक सूचना लेकर के आता है और कहता है कि बलबन के पुत्र बुगरा खा की मृत्यु हो गई है। इसकी खबर सुनकर के वह थोड़ा सा भी अपने आप को असहज महसूस नहीं करता है और साम्राज्य में दरबार में बैठ करके ही जो दरबार से संबंधित जो भी क्रियाकलाप था उसको वह पूर्णतः संपन्न करता है। और करने के बाद जब वह अपने शयन कक्ष में जाता है तो फूट फूट करके शयन कक्ष में अपने पुत्र के लिए रोता है, लेकिन दरबार में वह थोड़ा सा भी अपने आप को असहज महसूस नहीं किया और लोगों को बता दिया कि मेरे पुत्र के मरने के बावजूद भी मैं साम्राज्य में अपने कार्यों को बखूबी कर रहा हूं, न कि उसका विलाप कर रहा हूं। तो इस प्रकार उसने राजत्व सिद्धांत को एक नया रूप देने का पूरा पूरा प्रयास बलबन ने किया। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार की जो दरबार में लोगों को भय व्याप्त करने के लिए दिखावटी दरबार, ईरानी त्योहार, मान मर्यादा से सुसज्जित अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और उसने यह भी बताया कि बड़े अमीर वर्ग, उच्च कुल और निम्न कुल के बीच का जो अंतर होना चाहिए उसको भी उसने राजत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। हर व्यक्ति, हर कोई उससे मिल नहीं सकता था। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे व्यापारी वर्ग भी उससे मिलने की चेष्टा की और बलबन को भेंट में, उपहार में कई सामग्री देने की लालसा भी किए, लेकिन बलबन ने सबको वापस लौटा दिया। उसने कहा नहीं, हमारा जो राजत्व सिद्धांत है उससे किसी भी प्रकार का हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बलबन एक ऐसा शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत को एक नई रूपरेखा, एक नए विस्तार के रूप में मध्यकालीन इतिहास में प्रस्तुत किया था। अन्य किसी भी सुल्तान ने राजत्व सिद्धांत के बारे में ध्यान नहीं दिया और इसके साथ ही साथ बलबन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शक्ति और प्रतिष्ठा और न्याय से संबंधित अपने राजत्व सिद्धांत को स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ आइए हम सभी चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि नियाबत एक खुदाई से क्या तात्पर्य है, या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व किससे संबंधित है। तो अगर पूछता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व का तात्पर्य नियाबत एक खुदाई से होता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि सिजदा का तात्पर्य किससे है। तो सिजदा का मतलब होता है घुटने पर बैठ करके सिर को झुकाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायबोस का तात्पर्य किससे है। तो पायबोस का मतलब क्या है, सुल्तान का चरण चुंबन करना।
तो यह जितने प्रश्न है यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।